Good morning, students. We are going to start a new chapter, Unit-10 Circle. First of all, before you start the lesson, I give you some introduction about the circle. First one is definition of the circle. What is circle? A circle is the locus of a point which moves in such a way that is always at a constant distance from a fixed point in the plane. And अगर किसी भी plane पर अगर एक fixed point की क्या होता है fixed point पर अगर कोई भी है line इस पर क्या करती है इसे मिलती जाती है join करती है एक एक makes a circle. ये अगर आता है एक In this way, we can see that a circle is the locus of a point which moves in such a way that is always at a constant distance from a fixed point in the plane. This can be observed. A scheme with a straight line. इसमें हम आपको scheme भी बना draw कर रहे हैं. And the scheme is a straight line that cuts the circumference of the circle at two distinct points. अगर कोई भी line straight lines है, अगर ये circumference को देखें तो ये two fixed point A और B पर ऐसे suppose कीजिए A and B पर ये क्या करती है इसको cut करती है तो this line is called the scheme. Understand? Third होता है tangent. But a name is a straight line that means the circle at one and only one point. एक circle होता है. Circle में अगर एक point पर केवल friends touch करती है, इसे PQ ना touch on any point कर A on the circle, it is called a tangent. अब हम लोग आगे देखेंगे number of tangent to a circle. नंबर आठ टेंजेंट में सर्कल फॉर्म अ पॉइंट कि अगर किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यानी थर्ड पॉइंट सब तो डिफिनेशन मैंने बताया कि डिफिनेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट एंड स्केल देन यू नो नंबर ऑफ टेंजेंट में सर्कल फॉर्म अ पॉइंट कि अ पॉइंट ए कोई भी पॉइंट्स देखिए इन अ पॉइंट ए लाइज इन साइड द सर्कल अगर कोई साइड जो भी हो क्या होती है कि कोई भी पॉइंट्स अगर सर्कल के इनसाइड होता है अंदर होता है तब कितने आप टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं तब इफ अ पॉइंट ए लाइज इन साइड ए सर्कल इन ऑन लाइन पॉसिंग थ्रू ए कैन बी टेंजेंट इन द सर्कल तो नो टेंजेंट ऑन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए क्योंकि अगर कोई भी लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं कि आप इस स्केल पर आए दो पॉइंट्स पर सर्कमफेरेंस पर पे इसको क्या करती कट करती यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो रही है इसको दो पॉइंट्स पर कट कर रही है यहाँ से सीधा खींचते हैं यानी एक हर जगह से आप देख रहे हैं कि एक को या किसी भी पॉइंट्स पर एक पॉइंट पर नहीं कर सकते ये ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ अ पॉइंट ए लाइज इनसाइड द सर्कल इनसाइड अ सर्कल ऑन एनी पॉइंट्स देन यू कैन फाइंड दैट नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए
point now देखते हैं if A lies on the circle then one and only one point can be drawn to pass through A. अगर A circle है circle के circumference पर A को ला देते हैं तो A से हम क्या कर सकते हैं केवल A की line कैसे draw कर सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा एक है ना ए लाइन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ना वी कैन ड्रॉ ओनली वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम द साइड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पॉइंट ए और अगर ए यूनिट ए आपका आउटसाइड ए को यहां पर लिख देते हैं यानी एग्जैक्टली इन दिस फिगर दे एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन दिस फिगर देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ पॉइंट्स आर इनसाइड द सर्कल द गिवन पॉइंट्स आर इनसाइड द सर्कल इफ ए लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल outside of a circle. It means if A lies the circle, then exactly two tangents can be drawn through A. अगर हम यहाँ से कोई भी line draw करते हैं, तो इसे हम draw करते हैं अगर A point से जाते हैं, तो A last में हमें A point ऐसा मिलता है, जो इसके circumference को कर जाता है, और एक यहाँ पर भी line आपको circumference को. यानी if A जो है lies outside of the circle. अगर ये आउटसाइड में आता है तो इससे क्या होता है कि हम ये जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसमें केवल वाली टू जो है टू टेंजेंट्स आर जो है ड्रॉन इफ द पॉइंट ए लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल यानी आपने क्या देखा कि अगर कोई पॉइंट ए जो है अगर सर्कल के अंदर है इनसाइड में है तो यहाँ पर नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉन नहीं किया अगर ए भी है आपका सर्कमफेरेंस पर स्थित है तो यहाँ पर ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ ए लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल अगर ए भी है आपका आउटसाइड ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है तो ए क्या होगा ए लाइज outside of the circle it means only two tangents can be drawn understood so now we are going to start the exercise 8.1 you have to learn that it is a as I told you first question is given here in exercise 8.1 How many tangents can a circle have? Currently, एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं तो टेंजेंट मीन्स हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है सपोज यही ए सर्कल आता है तो एक ही पॉइंट से जो है हम क्या कर सकते हैं इसको ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट को यहाँ से एक साइड ले जा रही है कि सर्कल का टू थ्री फोर फाइव आप इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से जो मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन तो हम क्या लिखेंगे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी सर्कल है क्वेश्चन वन आंसर अ सर्कल कैन हैव सर्कल कैन हैव इनफिनिटली मेनी टेंजेंट्स Infinitely
many points on a circle. Question number 2, fill in the blanks. इसे fill in the blanks करना आपको, खास में क्या होगा? A tangent to a circle intersects in. अभी हमने बताया कि कितने points में intersect करते हैं? 1 point. तो खास वाले में question number 2 में आप fill up करोगे पहले में 1. Second TP क्या दिया है? A line intersecting a circle in 2 points. जो 2 points पर काटते हैं उसको क्या कहते हैं? And third, a circle had two parallel lines. इसमें क्या मतलब करेंगे? True. And number four, the common point of a tangent to a circle and the circle is common point of a contact. यहाँ पर क्या करेंगे? And the circle is called a contact. Question number 3. Question number 3 कह रहा है, tangent PQ at point P of a circle of radius. ये circle है. Tangent PC. On the center, OP is perpendicular near PQ. PQ is given 12 cm and it is 5 cm. So, first, करना कि length PQ find करना. Question number 3. So, by using the Pythagoras theorem, we can find the value of PQ because we know that any perpendicular line from a center draw a 90 degree angle. A 90 degree angle बनाता है it means triangle OPQ is a right triangle. In a right triangle PQ square is equal to होता है PQ square is equal to hypotenuse square OQ square minus perpendicular OP square. Then put the value of OQ 12 square minus 5 square. 12 perimeter 144 minus 5 perimeter 25. 14 minus 5 equal 9. Here 13 minus 2 11. It means P2 is equal to root 190 is not a perfect square, so root 119 centimeter is the required length of PQ. Last question number 4. Can I draw a circle? Question number 4 में आपको क्या करना है? Can I draw a circle? आप यहाँ पर एक circle draw करेंगे. Can I draw a circle and two lines parallel to a given line? और इस line की parallel पे आपको two lines draw करनी है. तो parallel हम two lines draw करते हैं. Suppose ये आपको parallel lines हो गई. इसी की parallel जो है आप line. What is the parallel line? Parallel lines where goes
thrown at the same distance. ये क्या होते हैं same distance पर आगे की ओर बढ़ते हैं. तो ये हो गया आपका true. Such work is a tangent and the other and skim to the circle. ऐसा करना कि एक जो parallel lines एक skim हो जाए. Skim line आपको मैंने क्या बताया कि skim line intersect the circumference at two points. एक दो पॉइंट्स पर देखिए इसको कट कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है आपका स्कैन. ये हो गई आपकी थर्ड लाइन. क्या हो जाएगी इसकी पैरेलल होगी और एक टैन एक क्या बताना है ना गिवन लाइन से टैन ले नीचे. तो ये आपका हो जाएगा गिवन लाइन. गिवन इसी के पहले पे एक टेंजेंट हो जाएगा. ये वन पॉइंट इसका जो होगा कॉमन ये हो गया आपका टेंजेंट. अंडरस्टैंड. तो ये क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव टू ड्रॉ वन दी फिगर ना कि आ सर्कल ड्रॉ करना है. उसके बाद कह रहा है कि एक लाइन जो है इसके पैरेलल को जो स्कैन हो और दूसरी लाइन पैरेलल को जो टेंजेंट हो. हमने इसके पैरेलल पे इवन लाइंस के पैरेलल पे एक टेंजेंट की जब जहाँ पर ये थी वन पॉइंट पर ये टच कर रहा है स्कैन जो है कट इनटू टू पॉइंट्स. इसी यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज 10.2. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.